अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर की ओर जाती ये सड़क पहले गली नुमा थी। इस सड़क को चौड़ा किया गया और दुकानों को चमकाया गया। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी चली गई। उसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह ने ग्राउंड जीरो पर दस्तक दी। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दुकानदारों की नाराजगी को लेकर जो एक बहस चल रही है उसकी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, हनुमानगढ़ी के पास हूं और जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, चूंकि इसके सौंदर्यीकरण के लिए और इसको चौड़ा करने के लिए यहां भी कुछ दुकानें तोड़ी गई थी और इसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहाँ पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था उस वक्त दुकानदारों में क्या माहौल था और अब दुकानदार क्या सोच रहे हैं और जो बहस चल रही है उस बहस को लेकर यहाँ के दुकानदारों का क्या मानना है। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर कहा जा रहा है कि दुकानदारों की नाराजगी ने बीजेपी को हरा दिया। तो क्या वाकई दुकानदारों में ऐसी कोई नाराजगी थी कि खेल बिगड़ गया? अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी, क्या बोल रहे हैं अयोध्यावासी? इस वक्त जो एक बहस चल रही है कि बीजेपी जो हारी है अयोध्या में उसके पीछे दुकानदारों की नाराजगी सबसे बड़ी वजह है, क्या आपको भी लगता है? नहीं, दुकानदारों की नाराजगी नहीं है, ये तो एक रूमर उड़ाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अयोध्या को लेकर के अनेक प्रकार की बातें की जा रही हैं जो कि ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो नाराज़गी का मामला है, क्योंकि हम यहाँ से 45,000-40,000 वोट से लीड करते थे जो हम उसको 4,000 में ही ला पाए। तो कार्यकर्ताओं का ना निकलना, लोगों में एक आपसी सौहार्द ना बनाना कार्यकर्ताओं का, ये सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहा। रामपथ को न सिर्फ चौड़ा किया गया बल्कि इस क्षेत्र का कायाकल्प भी हुआ। चौड़ीकरण के वक्त जो सड़कें दुकानें टूटी उनमें से 90% दुकानों पर मालिकाना हक हनुमान गढ़ी और दूसरे मठ मंदिरों के पास है। दुकानदार इसमें किराए पर दुकान चला रहे हैं। हनुमान गढ़ी के पास दुकान चलाने वालों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में दुकानदारों में रोष था, लेकिन विकास कार्यों को लेकर भरोसा भी था। अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी, क्या बोल रहे हैं अयोध्यावासी? इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दुकानदारों की नाराजगी को लेकर सोशल मीडिया पर जो एक चर्चा चल रही है उसका सच क्या है। तो आपको लगता है कि दुकानदारों में नाराजगी है? दुकानदारों में तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके तो कारोबार बढ़े हैं, तो उनको आपको लगता है कारोबार बढ़ा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ा है, पहले के अपेक्षा 4 गुना काम बढ़ गया, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो दुकानदारों को इतनी नाराजगी नहीं है, जहाँ तक कुछ लोगों यहाँ के लोकल लोगों से हमें सुनने को मिला है कि जो गांव जो पीछे मैंने ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से शायद वोट वगैरह में किसी तरह की कोई बात हुई होगी या वहाँ पे शायद लोग नहीं पहुँच पाए होंगे सही तरह से, इस तरह की कोई बातें हुई वहाँ से वोट कटा है, लेकिन अयोध्या क्षेत्र से यहाँ से प्रॉपर वोट गया है। दुकानों का मालिकाना हक मठ मंदिरों के पास है तो सीधा मुआवजा इन्हें ही मिला। दुकानदारों को जीविका उपार्जन के नाम पर भी 1,00,000-2,00,000-4,00,000 मिले। कुछ दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पैसा कम दिया गया और दुकान के बदले सरकार जो नई दुकान उन्हें दे रही है उसकी भारी कीमत वसूली जा रही है। अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी, क्या बोल रहे हैं अयोध्यावासी? क्या नाम है भाई आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, आप लस्सी बेचते? जी भैया। बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री अच्छी हो रही है। आसपास के दुकानदारों से आपकी बातचीत होती होगी तो आसपास के दुकानदार क्या बोलते हैं कि पहले के मुकाबले बिक्री बढ़ी है या घटी? पहले मुकाबले जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब से बिक्री जरूर बढ़ा है क्योंकि यहाँ श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं। नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है, नाराजगी के कई कारण हैं, जैसे जिनकी दुकानें गई हैं उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, दूसरी बात कुछ लोगों की पूरी दुकानें चली गई, जो अगले विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले स्थापित किया जाएगा तब विस्थापित किया जाएगा तब तोड़ा जाएगा, जो कि पहले इन्होंने तोड़ दिया, रात के 12 बजे आके तोड़ देते थे। उसके बाद जिनकी पूरी दुकानें गई उनको बोला गया था कि आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, लेकिन 10x10 की दुकान ये दिए हैं 20 लाख रुपये की, 20 लाख रुपये लेके तब दुकान दे रहे हैं, अब ये बताइए कहाँ का न्याय है? बीजेपी समर्थित लोग कहते हैं कि मुआवजे को प्रोपेगेंडा बनाकर दुकानदारों को डराया गया कि उनकी दुकान छिन जाएगी। इससे पहले अयोध्या विधानसभा में जीत का मार्जिन भी पहले के मुकाबले काफी घट गया और दूसरी विधानसभाओं तक इसका गलत मैसेज गया।
बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हम राम जन्मभूमि के पूर्व पार्षद रमेश दास से मिले, सुनिए उनकी क्या राय है। तेवारा शपथ लिया अगर अयोध्या हारते या न हारते माननीय मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी अयोध्या में नहीं, पूरे देश में एक संदेश गया है कि ये अयोध्या के जनताओं ने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मेहनत नहीं किए इसीलिए चुनाव कहीं कमियां आई होगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के नाते हो सकता है, लेकिन माननीय सांसद लल्लू सिंह जी जो रहे इनका कोई फर्क नहीं है। अभी एक दुकानदार से बात हो रही थी हनुमानगढ़ी के पास, उन दुकानदार का ये कहना था कि लोगों में इस बात का अफवाह एक प्रोपोगंडा फैलाया गया कि आपकी दुकानें छीन ली जाएगी, मकान छीन लिया जाएगा, और उनका ये भी कहना था कि वो प्रोपोगंडा अभी भी फैलाया जा रहा है। आपको भी लगता है कि ये अफवाह चल रही है? ये अफवाह है। अयोध्या में वो जिसने भी आपको बयान देगा वो समाजवादी पार्टी के माई होगा, इसीलिए उस व्यक्ति ने एक गलत संदेश दे रहा कि आगे वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इसको अफवाह उड़ाया जा रहा है। नहीं, उनका ये कहना है कि लोगों को यहाँ पर डराया जा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो डराने का काम। हाँ, ये डराने का काम समाजवादी पार्टी के कुछ कर रहे हैं, इस तरह के युवा हैं वो कर रहे हैं, ये तय मैं भी जानता हूँ। इसके लिए अयोध्या में हैं गिने चुने कुछ आदमी, लेकिन अयोध्या की जनता तो समझ रही होगी ना कि सच्चाई है। अयोध्या की जनता तो राम जी अयोध्या में हरा कहाँ चुनाव, वो तो देहात में कहीं किसी तरह कमियां आ गई। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास भी फैजाबाद लोकसभा सीट के रिजल्ट पर हैरान थे। उनका आरोप है कि लोगों ने विकास की जगह जातिवाद की राजनीति को चुना। प्रशासन ने अयोध्या वासियों को मुआवजा नहीं दिया, जबकि 90% अयोध्या में मकान और दुकान मठ मंदिर और अयोध्या वासियों का है, सब किराएदार हैं। मकान मालिक ने पूरी प्रयास किया कि उनको न्याय मिले, उनको बसाया जाए, उनको बसाया भी गया और उनको मुआवजा भी मिला। प्रशासन के लोगों ने खूब ध्यान दी और उनको मुआवजा में कोई तकलीफ नहीं हुई है। 24 के चौंकाने वाले नतीजे में अयोध्या एक ऐसी सीट बन गई जिसकी लंबे वक्त तक गूंज सुनाई देगी।